मैं भी शोभना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाजरे की ऐसी ही कुछ रंग बिरंगी बालियाँ जो काम आएंगी घर में सजाने के। आपने पहले कभी शायद नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी थी, लेकिन मैंने इनको फर्स्ट टाइम ऐसे कलरफुल बनाया है सजाने के लिए, जिसमें मेहनत भी काफ़ी कम लगती है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और ख़र्चा तो बिल्कुल नहीं के बराबर आता है। देखिए, इनको सबसे पहले क्लीन कर लेंगे, ब्रश की सहायता से डस्ट हटा लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कुछ बाजरे की बालियाँ, कुछ एक्रेलिक कलर्स, ब्रशेज बस। और क्योंकि ये बाजरे में थोड़ा सा फंगस लग गया था तो इसलिए खाने के काम नहीं आता, तो मैंने सोचा इनको डेकोरेशन के काम में लेते हैं। तो इनको मैंने सबसे पहले अच्छी कड़क धूप में सुखा लिया था, फिर इनकी डस्ट हटा ली है, साफ कर लिया है और अब इस पर ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं एक्रेलिक कलर इस पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इनको करना काफ़ी आसान होता है और मीडियम के लिए भी पानी ही यूज कर सकते हैं। ये सूख भी जल्दी जाता है, दोबारा कोट करना होता है तो उसके लिए फटाफट रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इस पर ऑयल पेंट भी यूज कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ी स्मेल आती है और सूखने में टाइम लगता है। मैं इनमें डबल शेड कर रही हूँ, किसी पे सिंगल शेड कर रही हूँ। कलर शेड जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। अब इनको फिनिशिंग देंगे। हम इनको ग्रीन कपड़े वाली जो टेप आती है उसी से चिपका के कवर कर देंगे इनकी डंडियों को, जिससे काफ़ी अच्छी लगेंगी और मजबूती भी आ जाएगी। ये लगभग तैयार हो गए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से मेरे पास कुछ और भी बाल रखी हुई थी, उनको भी हम इसी तरह कलर करके तैयार कर लेंगे। अक्टूबर से नवंबर के महीने में ही बाजरा की फसल पकती है, उसी समय मैंने ये वीडियो बनाया था लेकिन अधूरा रह गया था, सोचा अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। कलर तो सारे ही सुंदर लगते हैं, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। वैसे आप चाहें तो कुछ टाइम बाद जब हम एक कलर से बोर हो जाते हैं तो दूसरा कलर इस पर चेंज भी करके लगा सकते हैं, उससे भी नया लुक आ जाएगा और ये फिर से फ्रेश लगेगा। कलर से कवर करने के बाद इसमें चींटियां और कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। आप अपना कीमती समय जो वीडियो देखने के लिए देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब आपका एक लाइक मिल जाता है तो मेहनत सफल हो जाती है और मन खुश हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लीजिए, रंग बिरंगी बाजरे की बालियाँ तैयार है घर में सजाने के लिए। हम इनको पॉट में रख के घर में कहीं भी रख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर लगती है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ इन पर मैं थोड़ा डार्क कलर ट्राई कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनकी डंडियों पे भी कलर कर देंगे, वैसे आप चाहें तो जैसा है नेचुरल कलर भी ऐसा रख सकते हैं, अच्छा लग रहा था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप मिलेंगे अगले वीडियो में।